Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel, Chemistry with Mubashir Sir. Today we are going to discuss very important topic, that is oxidation state. बहुत सारे बच्चों को confusion रहता है इस topic के बारे में कि oxidation state होती क्या है. आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर कि oxidation state होती क्या है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, इट इज सिंपली वी कैन से दिस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इट इज सिंपली चार्ज, चार्ज किस पे, ऑन ए टारगेट एटम. कोई भी कंपाउंड अगर हम लेंगे, जैसे कि हमारे पास वाटर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग की थ्रू वो एक बॉन्ड बनाते हैं. तो अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप बताओ हमें कि वाटर में जो ऑक्सीजन है इसकी चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज कौन सी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जिस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में आप हमें बताओ कि कोई भी स्ट्रक्चर, तो आपको पहले पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर. तो एज यू नो कि वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है. तो अगर हम बात करेंगे इस वाले बॉन्ड की जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने म्यूचुअल शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एज वी नो दैट सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर रखता है पूरे पीरियड टेबल में दैट इज फ्लोरीन. उसके बाद सेकंड पे आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, सो ऑन. तो एज वी नो दैट ऑक्सीजन जो होता है इट पोजेसेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर देन हाइड्रोजन. सो यहां पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल गेट ड्रैग्ड, और दिस ऑक्सीजन it will attract this electron pair more towards itself, due to which it will get a delta negative charge, and this hydrogen will possess a delta positive charge. Yani electron pair jo hai ye shift ho jayega oxygen ki taraf, jiski wajah se slight positive charge aayegi, kis pe, oxygen pe, aur hydrogen pe slight positive charge. Isi tarah se agar hum is bond ki baat kare to same case yahan pe bhi hai, oxygen bearing more electronegative power, तो यहां पर यह electron pair फिर से थोड़ा सा shift हो जाएगा oxygen की तरफ, जिसकी वजह से oxygen पे एक और negative charge आएगी और hydrogen पे एक delta positive charge. तो can we say that this oxygen bears minus 2 charge and this hydrogen bears plus 1 and again plus 1. The term oxidation, let me tell you, it was given by Antoni Levizer ने इस ऑक्सीडेशन टर्म को दिया था पहली बार. तो अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे लाइक H2O2 की, हाइड्रोजन परोक्साइड की, तो फर्स्ट यू मस्ट नो इट्स स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन परोक्साइड में दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, और आपको यह याद रखना है कि जिस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा उस कंपाउंड को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड. तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जो हाइड्रोजन मौजूद है या जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दोनों की आप चार्ज बताओ, तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले हम ये वाला बॉन्ड लेंगे. तो दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव. अगर हम इस वाले बॉन्ड की बात करें, दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो फिर से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. अब बात करेंगे इस वाले बॉन्ड की. एज वी नो दैट दिस बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, और दोनों ऑक्सीजन एटम जो है बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर रखते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा
ना तो वो इस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा ना तो वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा इट विल रिमेन एज सच, बीच में रहेगा, ना तो एक ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगी ना दूसरे वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगी. तो कैन वी से इन हाइड्रोजन परोक्साइड दिस ऑक्सीजन बियर्स माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट, दिस ऑक्सीजन पर इज ऑलवेज माइनस वन, हाइड्रोजन प्लस वन एंड हाइड्रोजन प्लस वन. ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी दो कंपाउंड्स देखे तो आपने देखा होगा कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है इस पे होती है माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट, ये माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और हाइड्रोजन परोक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट में होता है. तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन जो है हर टाइम माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, और वी कैन से स्ट्रक्चर और कनेक्शन बिटवीन द एटम्स, कनेक्शन बिटवीन द एटम्स. एटम्स किस तरह से आपस में जुड़े हैं, उनकी बॉन्डिंग क्या है, और सेकंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. कौन सा एटम किस तरह की ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा ये डिपेंड करता है कनेक्शन के ऊपर, कि उस एटम ने किस तरह का बॉन्ड बनाया है दूसरे एटम्स के साथ, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल